सो वी आर हैविंग फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये आपका गॉस लॉ हो गया, इसको हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड और हम देखेंगे कि हमारा जो राइट हैंड साइड है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हम पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए जो हम आपका डायग्राम ले रहे हैं, वो डायग्राम ऐसा ले रहे हैं कि हम एक चार्ज इमेजिन कर रहे हैं यहां पर, मान लो एक क्यू चार्ज हमने ओ पे इमेजिन किया, ठीक है। अब क्योंकि गॉस लॉ के लिए आपको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, वी रिक्वायर ए क्लोज सरफेस, तो इस चार्ज के आसपास हम एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, तो इसके आसपास एक क्लोज सरफेस जो होगा वो एक स्फेयर के रूप में होगा, ठीक है। एक स्फेयर के रूप में एक क्लोज सरफेस हमने इमेजिन किया अराउंड दिस चार्ज। अगेन हमने क्यों इमेजिन किया, क्योंकि हम यहां पर गॉस लॉ लगाने वाले हैं या गॉस लॉ को प्रूव करने वाले हैं, तो वी रिक्वायर्ड ए क्लोज सरफेस, ठीक है। सो चार्ज के आसपास एक स्फेयर मान लीजिए, इसको वी आर हैविंग ए स्फेयर, ऐसा मान लीजिए जैसे क्रिकेट का बॉल है, तो एक स्फेयर हो गया आपका और ये चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है। अब देख सकते हैं ये चार्ज सरफेस से बाहर नहीं है, ये स्ट्रक्चर के अंदर आपका चार्ज है, ठीक है, एनक्लोज बाय द सरफेस है, ठीक। और इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया मान लो एस है, टोटल सरफेस एरिया आपका एस के हम रूप में रिप्रेजेंट करते हैं मान लो, ठीक। नाउ जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, हमें प्रूफ करना है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ई डॉट डी एस, इसको हमें प्रूफ करना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो दो टर्म है, ई है और डी एस है, ठीक है। सो डी एस यहां पर हम एक इमेजिन कर लेते हैं सरफेस पे, यहां हम एक छोटा सा डी एस इमेजिन कर लेते हैं ऐसा, लेट अस इमेजिन दिस। और एरिया वेक्टर के बारे में आप जानते हैं, एरिया वेक्टर जो होगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये हमारा डीएस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द डीएस वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, लेट अस सपोज कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज हमने लिया है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, दूर की तरफ होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेते हैं, कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम यहां पर इमेजिन कर रहे हैं वो हम इस डीएस के लिए पहले इमेजिन कर रहे हैं, ओके, वी आर लुकिंग एट डीएस। ये डीएस हमने एक इमेजिन किया है स्फेयर पे, मान लो अगर आपने क्रिकेट बॉल लिया है तो क्रिकेट बॉल के सरफेस पे मानो वो डीएस है, ठीक है, सरफेस में, और चार्ज अंदर है और आपका जो सरफेस है उसके ऊपर आपका ये डीएस है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो गया। सो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि डीएस का डायरेक्शन हमने क्यों दिया, क्योंकि वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, वो हमने दे दिया बाहर की तरफ। और आपको पता है कि जो भी आपका नॉर्मल, कोई भी स्फेयर में अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो हमेशा सेंटर से कनेक्ट करेगा, मतलब रेडियस से होता हुआ जाएगा। सो इस तरह से ये भी डायग्राम आपका सही है, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ हो गया आउटवर्ड, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से क्लियरली हमें दिखता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो एंगल इज जीरो डिग्री। नाउ जहां पर ये डीएस है, यहां एक पी पॉइंट हम इमेजिन करते हैं, इस डीएस वाले जगह को हम पी पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, ये हम देखते हैं कि जो पी पॉइंट हमने इमेजिन किया है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। रेडियस मान लीजिए आर है आपका, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से के हो गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यह आ गया, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है समझिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका पी पॉइंट पर, किसके कारण, जो आपका ओ पॉइंट पे चार्ज क्यू है उसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पॉइंट पे मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पे, एलएचएस पे। सो हमारा एलएचएस है दैट इज ई डॉट डी एस, और इसे हमें प्रूफ करना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमारा ई को हम इंटीग्रेशन में जो डॉट प्रोडक्ट है, उस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा, ठीक है, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां पर हम ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि थीटा इज जीरो डिग्री,
मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए ये हो गया आपको ई डी एस कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो हो गया वन, तो सिंपली ये हो गया आपका ई डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी एस ये आपका हो जाएगा। नाउ इसमें आगे बढ़ते हैं हम आपका ई डी एस पे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि हमने एक स्फीयर लिया है और स्फीयर में हम कोई भी पॉइंट ले लें सरफेस पे, यहां पी डैश ले लें या यहां पर पी डबल डैश ले लें, हर जगह का रेडियस सेम होगा क्योंकि स्फीयर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो हर एक पॉइंट के लिए के सेम है और एक ही चार्ज है तो क्यू भी सेम है, और हर एक पॉइंट के लिए आर भी सेम हो गया क्योंकि रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट है ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और ये हो गया इंटीग्रेशन डीएस, ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे को क्या मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन वन है 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वो पुट कर देते हैं 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर स्क्वायर और यहां आ गया इंटीग्रेशन डीएस। अब ये इंटीग्रेशन डीएस क्या है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। ओके, सो डीएस आपका एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे ही आप बहुत सारे डीएस इमेजिन कर सकते हो पूरा, ठीक है, थ्रू आउट आप पूरा डीएस इमेजिन कर सकते हो हर जगह पर पूरा सरफेस में, जैसे आप एक स्फीयर ले लो उसके सारे सरफेस में आप छोटे छोटे डीएस इमेजिन कर लो और यहां पर उसका इंटीग्रेशन किया गया है, माने सारे डीएस को जोड़ दिया गया। सो जाहिर सी बात है जब आप सारे डीएस को जोड़ देंगे तो आपको टोटल सर्फेस एरिया मिल जाएगा, पूरे स्फेयर का टोटल सर्फेस एरिया। अभी एक सिंगल डीएस लेंगे तो थोड़ा सा पार्ट मिला, पूरा ले लिया तो हमें पूरा सर्फेस एरिया मिल जाएगा पूरा। सो पूरा सरफेस एरिया स्फीयर के केस में होता है 4 pi r square, ये होता है। अब हमारे पास यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जगह है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 pi कैंसिल, ओके, एंड देन योर यहां पर r square होगा, इसको मैं चेंज कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये आपका होगा r square, ठीक है, 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड दिस इज 4 pi r square, तो ये r square, ये r square गया, बच गया आपका q by epsilon naught which is the right hand side, so this is the proof of your Gauss law।